Guys, welcome to the Bharatia School online classes. In this session, we will continue our chapter that is control and coordination. सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में. What is neuron? सो न्यूरोन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम तो न्यूरोन क्या होता है भाई स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसकी हमारे नर्वस सिस्टम की आगे हम बात करते हैं न्यूरॉन के पार्ट्स के बारे में न्यूरॉन है वो कितने पार्ट्स से मिलके बना हुआ है तो न्यूरॉन तीन पार्ट से मिलके बना हुआ होता है भाई फर्स्ट पार्ट जो होता है इसका डेंड्राइट सेकंड सेल बॉडी थर्ड है एक्सोन इन तीन पार्ट से मिलके क्या बना हुआ है भाई हमारा न्यूरॉन बना हुआ है न्यूरॉन का जो सर्कुलर पार्ट है सेलुलर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं सेल बॉडी कहते हैं भाई ठीक है द सेल बॉडी क्या है भाई न्यूरॉन का द सेलुलर पार्ट सेल लाइक पार्ट सर्कुलर पार्ट ऑफ द न्यूरोन इज कॉल्ड सेल बॉडी इसके अंदर भाई न्यूक्लियस है वो प्रजेंट होता है और हम बात करें नीजल ग्रेन्यूल्स हैं वो प्रेजेंट होता है जो इसका साइटोप्लाज्म होता है उसे हम क्या कहते हैं भाई न्यूरोप्लाज्म कहते हैं सेल बॉडी से जो शॉर्ट शॉर्ट प्रोसेसेस हैं जो अराइज होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई डेंड्राइट्स कहते हैं ठीक है यानी सेल बॉडी से जो शॉर्ट शॉर्ट प्रोसेसेस अराइज हो रही है उन्हें हमने क्या कहा है भाई डेंड्राइट कहा है तो डेंड्राइट को डिफाइन करना बिल्कुल इजी है द शॉर्ट प्रोसेस दैट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट्स वाइल एक्जोन क्या होता है भाई द लॉन्गेस्ट प्रोसेस दैट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी और ये क्या होती है सिंगल होता है जो सबसे लॉन्गेस्ट जो प्रोसेस है सिंगल जो प्रोसेस है एक्जोन की एक्जोन होती है उसे हम क्या कहते हैं एक्जोन कहते हैं सेल बॉडी से जो सिंगल और सबसे लॉन्गेस्ट जो प्रोसेस है जो अराइज होती है उसे हम क्या कहते हैं एक्जोन कहते हैं तो so, एक्जोन को डिफाइन करना भी बिल्कुल ईजी है सिंगल लॉन्ग प्रोसेस दैट अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्जोन आगे हम इनके फंक्शंस के बारे में बताते हैं डेंड्राइट का क्या फंक्शन है सेल बॉडी का क्या फंक्शन है एक्जोन का क्या फंक्शन है तो हेयर वी कैन सी दैट डेंड्राइट्स द मेन फंक्शन इज टू रिसीव द सिग्नल्स डेंड्राइट्स हैं वो क्या करती हैं भाई जो केमिकल जो इम्पल्स है केमिकल जो सिग्नल है उनको क्या करती हैं रिसीव करती हैं सो मेन फंक्शन जो होता है डेंड्राइट का वो क्या करती हैं जो दूसरा जो न्यूरॉन होता है उससे केमिकल सिग्नल आता है केमिकल की फॉर्म में क्या आता है एक सिग्नल आता है उस सिग्नल को रिसीव करने का काम किसका होता है भाई डेंड्राइट का होता है तो डेंड्राइट क्या करती हैं केमिकल सिग्नल्स को क्या है? receive करती हैं रिसीव करते हैं तो डेंड्राइट का मेन फंक्शन है केमिकल सिग्नल्स को क्या receive करना रिसीव करना वाहल सेल बॉडी सेल बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है जो केमिकल इम्पल्स डेंड्राइट ने रिसीव किया है उसको यहाँ पे सेल बॉडी रीजन के अंदर उसका कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर यानी सेल बॉडी रीजन के अंदर क्या होगा जो डेंड्राइट्स ने जो इम्पल रिसीव किया था केमिकल इम्पल्स सेल बॉडी के अंदर वो केमिकल इम्पल्स कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर और यहाँ पे वो एज ए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल करेगा टुआर्ड्स द एग्जोन अब एक्जोन के पास आने के बाद क्या करेगा एग्जोन के अंदर वो पूरी जो एग्जोन है उसके थ्रू वो रन करेगा एज एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स और एग्जोन की जो हम बात करते हैं जो टर्मिनल जो ब्रांचेज हैं यानी एक्जोन है अपने टर्मिनल एंड के ऊपर ब्रांच हो जाता है और शॉर्ट शॉर्ट जो नर्व एंडिंग्स हैं उनकी फॉर्मेशन करता है हेयर तो यहाँ पे क्या होता है भाई जो पूरा का पूरा जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रेवल करता है नर्व एंडिंग से अगेन यहाँ पे हम बात करें क्या होगा जो इम्पल्स है उसका कन्वर्जन हो जाएगा यानी जो वापस से जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है केमिकल है उसके अंदर कन्वर्जन हो जाता है आगे हम इसको डिस्कस करते हैं साइनअप्स के साथ सो वट इज साइनप्स तो साइनप्स क्या होता है साइनअप्स क्या है भाई एक गैप जंक्शन है किसके बीच में नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरोन एंड डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरोन बिल्कुल क्लियर है भाई एक्जोन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हम पिक्चर के अंदर देख रहे हैं ये जो एक्जोन है भाई एक न्यूरोन का है और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो डेंड्राइट पार्ट है ये दूसरे न्यूरॉन का है तो यहाँ पे जो एक्जोन एक है टर्मिनेट हो रहा है टर्मिनल के अंदर नर्व एंडिंग्स के अंदर और यहाँ पे जो हमारा जो सेल बॉडी है सोमा बॉडी है उसकी जो शॉर्ट शॉर्ट जो प्रोसेस हैं डेंड्राइट्स हैं तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप जंक्शन है जो क्लियरली हमें नज़र आ रहा है वो क्या हमारा है भाई साइनअप्स है तो इसको डिफाइन करना बिल्कुल ईजी है ये जो गैप जंक्शन है डेंड्राइट ऑफ वन न्यूरोन एंड नरव एंडिंग ऑफ अनदर न्यूरोन इनके बीच में जो गैप जंक्शन होता है हम बात करें नर वैंडिंग ऑफ वन न्यूरोन और डेंड्राइड्स ऑफ अनदर न्यूरोन के बीच में जो गैप जंक्शन है उसे हम क्या कहते हैं साइनेप्स कहते हैं साइनेप्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है भाई ये क्या करता है जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल के अंदर और ट्रांसमिशन है उसको कंटिन्यू करवाता है एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन के अंदर यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर यहाँ पे देखिए ये जो एक्सोन है हमारा ठीक है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये जो डेंड्राइट है हमारा दूसरे न्यूरॉन का और इन दोनों के बीच में ये जो गैप जंक्शन है इसको हमने क्या कहा है भाई साइनेप्स कहा है ठीक है क्लियर है तो हमने क्या कहा है ये जो हमारी नर्व एंडिंग हो गई एक्जोन की तो ये क्या कह सकते हैं हम बात कर रहे हैं भाई नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरोन एंड द डेंड्राइट ऑफ द अनदर न्यूरोन उन दोनों न्यूरोन के बीच में ये जो गैप जंक्शन है उसे हमने क्या कहा है भाई हमने कहा है उसको साइनेप्स कहा है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कन्वर्जन इसका फंक्शन क्या होता है भाई कन्वर्जन होना यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब नर्व एंडिंग तक आता है तो यहाँ पे जो साइनेप्टिक वेसिकल्स होती हैं इनके अंदर क्या होता है भाई एक न्यूरो होता है जिसको हम बोलते हैं एसिटाकोलाइन वो केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है नर्व इम्पल्स को ट्रेवलिंग के अंदर हेल्प करता है एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन के अंदर इम्पल्स को तो इन स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स के अंदर क्या होता है ये इनक्लोज होता है जब नर्व इम्पल्स यहाँ पे आता है तो जो स्मॉल वेसिकल्स से ये मूव करना स्टार्ट करती हैं और यहाँ पे नर्व एंडिंग की जो मेम्ब्रेन है इसके साथ फ्यूज़ होके न्यूरो ट्रांसमीटर यानी एसिटाकोलाइन को रिलीज कर देती हैं और इन न्यूरो ट्रांसमीटर के लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो डेंड्राइट और उसके पास प्रजेंट होते हैं इस तरह से जो हमारा जो केमिकल इम्पल्स था एक्जोन के पास वो क्या हो गया कन्वर्ट हो गया केमिकल के अंदर और केमिकल इम्पल्स को क्या कर रही है फिर हमारी ये जो डेंड्राइट्स है वो रिसीव कर रही है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा रिफ्लेक्स एक्शन तो रिफ्लेक्स एक्शन को डिफाइन करना बिल्कुल ईजी है रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक सडन एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ ए बॉडी टू एन स्टिमुलस किसी भी स्टिमुलस के प्रति इमीडिएट क्या करना रेस्पोंड करना वो क्या कहलाता है भाई हमारा रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जाम्पल हैं नी जर्क विथड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट जब भी किसी हम हॉट ऑब्जेक्ट को अगर हम टच करते हैं तो तुरंत हम उससे अपना हाथ हटा लेते हैं किसकी वजह से है रिफ्लेक्स एक्शन है ऐसा तो नहीं होता ना मान लीजिए आपने किसी हॉट ऑब्जेक्ट है हॉट प्लेट है उसके ऊपर आपने अपना हाथ रखा हुआ है ठीक है तो आप पहले सोचोगे कि मैं हाथ हटाऊं या नहीं हटाऊं

ठीक है ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है जब इसको हमारी जो हमने टच किया हुआ है, अपने हैंड की इस फिंगर से तो जो स्किन है उसके ऊपर क्या होते हैं रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं ठीक है वो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे वो जो इम्पल्स है क्या है? ट्रेवल करते हैं उसको ट्रैवल करते हैं जो इम्पल्स है यहाँ से ट्रैवल होता है ट्रैवल ट्रेवल कहाँ पे जाता है बेटा uh. हम बात करें एफरेंट न्यूरोन की हेल्प से मैसेज से ट्रेवल होता है ट्रैवल होके किसके पास चला गया हमारा पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लग गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाने के बाद यानी हमारी जो स्पाइनल कोड है उसके पास आ गया है यहाँ पे जो हमारा जो एफ जो इम्पल्स है एफरेंट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर से अब यहां पे देखिए बेटा ये जो इम्पल्स है ब्रेन के पास न जाने के पास सीधा किसके पास आया ब्रेन के पास आया ब्रेन सॉरी स्पाइनल कोड के पास आया है स्पाइनल कोड से सीधा ये वापस किसके पास आएगा इम्पल्स नर्व फाइबर्स के थ्रू मसल फाइबर के पास और अपना हाथ हम वहां से क्या कर लेते हैं रिमूव कर लेते हैं नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होती है द पाथ विच इज द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स नक्शन जो पाथ किसके द्वारा फॉलो किया जाता है नर्व इंपल्स के द्वारा किसके दौरान रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान उससे हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं हेयर दैट द रिफ्लेक्स आर्क डायग्राम हेयर देखे स्टिमुलस स्टिमुलस क्या होता है बेटा हमारा हीट कोई भी जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो क्या था हमारा स्टिमुलस था ठीक है वो रिसेप्टर ऑर्गन यानी जो हमारी स्किन है उसको रिसीव करेगी और इसको किसके पास पहुंचाएगी हम बात कर रहे हैं हमारी सेंसरी नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कोड के पास आ जाएगा स्पाइनल कोड से मैसेज है वो किसके पास कन्वे होगा बेटा इफेक्टर ऑर्गन यानी हमारी जो मसल्स हैं और रिस्पॉन्स क्या होगा हमारा हाथ हम वहाँ से हटा लेते हैं तो ये जो पूरा का पूरा पाथवे है बेटा ये क्या कहलाता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क और जो पूरा का पूरा एक्शन है वोट ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद अपने हाथ को हटा लेना वो क्या कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन नेक्स्ट हम जो हमारा जो टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो है हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम